गुड मॉर्निंग मित्रों, आज रविवार की सुबह है और मैं अपने खेत में आया हूँ। तो मैं आप लोगों से कुछ दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग अपने फार्म में जो आंबा कलम है, जो मैंगो प्लांट्स है, उसकी देखरेख बारिश में कैसे करनी चाहिए। तो ये आपको आज दिखाना चाहता हूँ। और ये जो चीज़ें, ये आप मई महीने में या जून महीने में जब बारिश ना गिरे तब तक आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको काम करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि ये सारे पेड़ लगे हुए एक लाइन में, यहाँ कहीं पे भी पानी नहीं बैठ रहा। हल्का फुल्का पानी आपको दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा पानी में डूबा हुआ। इसमें हम लोगों ने मिट्टी चढ़ाई है, एक बांस का बेम्बू लगाया हुआ है और इसमें एक ढाट दिया हुआ है जो ये फ्रंट साइड से होते हुए लास्ट में पीछे तक जाता है। ये ढलान, तो ये आप देख सकते हैं, ढलान पीछे तक जाता है। तो ये मैंने पूरे खेत में लास्ट तक कम से कम करीबन 1.5 से 2.5 फीट तक का ये पूरा ढलान दिया है, तो कहीं पे पानी फंसता नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी रोटावेटर मारा हो तो ये ऊपर से लेके आपको नीचे की साइड तक जाना है रोटावेटर को, या कल्टीवेटर जो भी पहले मारा है कल्टीवेटर, उसके बाद में रोटावेटर, तो उस हिसाब से आपको ट्रैक्टर को लेके जाना है और इस हिसाब से पहले लेवल पूरा करवा के फिर मरवाना है रोटावेटर वगैरह, तो आपका पूरा ढलान बैठेगा। आप देख सकते हो मेरे फार्म में कहीं पे भी पानी का पानी नहीं जमा हो रहा। तो इस हिसाब से आपका कोई भी पेड़ मरेगा नहीं बारिश के टाइम में, या इसको कोई भी पानी में जितना डूबा रहेगा उतना वो फंगस का इफ़ेक्ट होने का उसको ख़तरा है। वैसे तो मैंने जून महीने में ये बारिश शुरू होने से पहले इसमें नीम ऑयल और अपना फंगीसाइड आता है उत्कर्ष का, और उसमें ट्राइकोडर्म में हर्जियम और विराइड बैक्टीरिया है, तो वो मैंने दिया था ऑर्गेनिक में। और आप नीम पाउडर भी एक यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने पाउडर की जगह नीम ऑयल दिया था। तो ये इसका तरीका है, आप देख सकते हैं कहीं पे भी पानी मेरे फार्म में जमा नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से आप इसकी देख रेख कर सकते हैं। और ये फार्म में पूरा आप देख सकते हैं कोई भी पेड़ गिरा नहीं है, तो वही देखने के लिए हम लोगों ने एक फार्म का ये रास्ता भी बनाया हुआ है कि आप पीछे तक जितना भी पेड़ है आप वहाँ तक आप अपना लास्ट तक देख सके, इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता वगैरह भी बनाया है। तो ये देखिए आप, और ये मेरा पूरा फार्म इज़राइल टेक्निक पे बनाया है। और ये ट्रेडिशनल जो हम लोग बनाते हैं 25 फीट बाय 25 फीट या 30 फीट बाय 30 फीट, तो उसमें क्या ज़मीन हमारी ज़्यादा जाती है, इसमें हम कम ज़मीन में ज़्यादा प्रोडक्शन ले सके इस हिसाब से। और मेन तो मेरा आज का वीडियो यही था कि पानी ना जमा हो आपका, अच्छे से मिट्टी चढ़ाई हो और अच्छे से ज़मीन को पहले लेवल समतल कर दे, अच्छे से उसको ढाट दे दे। और मैंने लास्ट में खेत में एक चैनल बनाई है जो 2.5-3 फीट गहरी है, जो ये सारा पानी पीछे लेके जाके वो नाले में डाल देती है। तो मतलब इस हिसाब से आप चैनलिंग भी कर सकते हो, तो उसमें आपका पानी अंदर नहीं जमा होगा, तो आपका एक भी पेड़ नहीं मरेगा। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है ये, दूसरा साल कंप्लीट हो रहा है, दूसरे साल के पेड़ है, तो अभी तक इसमें पानी नहीं जमा हुआ और ना पेड़ मरे हैं। और इसका क्वालिटी भी आप देख सकते हो, 2 साल के पेड़ का बहुत बढ़िया। ये मेरा 6ठी बार का कटिंग है, ये पेड़ मैंने 6 टाइम कटिंग कर चुका हूँ, तो इस हिसाब से इसका ग्रोथ आप देख सकते हो। थैंक यू मित्रों ये वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही नए नए वीडियो मैं लाता रहूँगा। और अभी मैं ये फार्म का ड्रिप इरिगेशन पे पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप कैसे ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, ट्रेडिशनल ड्रिप इरिगेशन को छोड़ के जो बार बार चौक हो जाती है, तो ये वाली ड्रिप इरिगेशन अपना सकते हैं। ये मैंने कहीं देखा था और अपने हिसाब से डिज़ाइन की हुई है, तो इसमें आप चौक होने का कोई ख़तरा नहीं है।
तो ये भी मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।